आरटीआई बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के नगर पालिका परिषद के स्कूलों में कोई भी दौरा नहीं किया और उसको लेकर फंड नहीं लगाया, ये मैंने ये आरटीआई बता रही है। वो आरटीआई बताती है कि वहां के स्टाफ के अपग्रेडेशन के लिए, आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, गुजरात में जाके पॉलिटिकल फंड, एक मिनट पूरा सुन लो, आप में अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी एक बोकू साथ बिठाकर रखते हैं, इतने डरते हैं क्या? दूसरा आरटीआई बताती है कि आपके एमएलए फंड से कोई भी नहीं हुआ, ये आरटीआई महज कागज नहीं, ये आपकी कारगुजारी का चिट्ठा है। वो बताती है आपका मॉडल आपकी विधानसभा में फेल है। आप बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी अगर बताने की हिम्मत और ताकत है, डरते नहीं है, तो आप बताएंगे इनको चुप करके? क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप शेयर कर रहे हैं, शेयर में बताने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? पूछिए ना, देखिए आप, नहीं आपने बताने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, ये आरटीआई बताती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, आरटीआई है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, अपग्रेडेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी नहीं किया, ये आरटीआई बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे हैं, एनडीएमसी के बच्चों का विकास नहीं होगा, आपके विधायक कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रवास मूवमेंट नहीं करेंगे, आपके विधायक कहते हैं मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए कि एनडीएमसी के डेवलपमेंट में, आपके विधानसभा के डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल फेल है, जीरो है, और अगर आपका मुद्दा नहीं है तो हम मान लेंगे। ये आप पूछे अरविंद केजरीवाल जी, 34% आप बताइए ना अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी करने के बाद क्या भाग रहे अरविंद केजरीवाल? 34% पहले ही लगे थे ताकि बात पेपर पे छप जाए, जवाब देंगे राजभाई जी, हमें आज हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, बढ़िया भागना चाहते हैं, जवाब नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी डर के भाग रहे हैं।